नमस्ते आदाब सत श्रीकाल, मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो रीडिंग है वो मेरे फ्रेंड्स जिनका सन मून राइजिंग और वीनस स्कॉर्पियो में है, आपके लिए देखेंगे अप्रैल का महीना जो है प्यार में कैसा होगा। प्राइमरीली ये एक लव रीडिंग होगी, अगर कोई और मैसेजेस आएंगे तो वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है तो प्लीज़ चेक योर मून राइजिंग एंड वीनस। डिटेल्स जो है नीचे कैफे एस्ट्रोलॉजी के लिंक में आप देख सकते हैं। आके एंजल माइकल माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स होली स्पिरिट एंड द डिवाइन प्लीज गिव अस एग्जैक्ट मैसेजेस व्हिच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर माय फ्रेंड्स हु हैव देयर सन मून राइजिंग एंड वीनस इन स्कॉर्पियो। ऑलराइट, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी ये रिलेशनशिप को लेके एनर्जी क्या होगी अप्रैल के महीने में, आपकी एनर्जी क्या होगी अप्रैल के महीने में और कनेक्टिंग एनर्जी क्या होगी, व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन यू आर थिंकिंग ऑफ इन अप्रैल, व्हाट विल बी योर एनर्जी इन अप्रैल एंड द कनेक्टिंग एनर्जी। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी एनर्जी क्या होगी, अनस्पोकन अनफॉरसीन लव है, आपकी एनर्जी क्या होगी, फास्ट लेन एंड कनेक्टिंग एनर्जी जो है डिवाइन टाइमिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ऑल राइट, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी एनर्जी जो है अनफॉरसीन लव है, यू माइट मीट और नो समवन हु विल ग्रो टू लव टर्निंग फ्रेंडशिप इंटू अ रिलेशनशिप। तो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं शायद अब तक जो है वो आपको एज अ फ्रेंड देखते हैं या आपका रिलेशनशिप जो है वो उस पर जो है कमिटमेंट के बारे में नहीं सोचते हैं या मे बी आपसे प्यार करते हैं लेकिन दे वॉन्ट टू कीप दिस रिलेशनशिप ओनली एज फ्रेंडशिप, लेकिन अप्रैल के महीने में उनको ये एहसास हो सकता है कि ये जो आपकी फ्रेंडशिप है या ये जो आपका रिलेशनशिप है उसमें जो है ये इंसान को आपके लिए सच्चा प्यार है। आपकी एनर्जी फास्ट लेन है, समथिंग फील्स डिफरेंट अबाउट दिस लव एंड यू आर नॉट अफ्रेड टू चार्ज अहेड, होपफुली दिस लव विल लास्ट। तो आप जो ये एनर्जी चेंज होगी ये रिलेशनशिप में, या तो ये इंसान आपको प्रपोज करेंगे या आप अपनी दिल की बात जो है आपको बताएंगे, फॉर सम ऑफ यू ऑल इट कुड बी अ न्यू लव और अ रिलेशनशिप जहाँ पे जो है आप प्यार के बारे में इजहार नहीं कर रहे थे लेकिन इजहार होगा। फास्ट लेन है, यहाँ पे बहुत जल्दी चीज़ें चेंज होंगी, जो मे बी अब तक कुछ नहीं हो रहा था एकदम से बहुत सारी चीज़ें अप्रैल में प्यार के लिए हो सकती हैं और उसके लिए जो है आपको रेडी होना चाहिए। डिवाइन टाइमिंग है, यहाँ पे वी कैन नेवर मैनिपुलेट टाइम, यू कैन ओनली वर्क विद इट, स्टार्ट वर्किंग हैंड इन हैंड विद योर डिवाइन टाइमिंग। मे बी उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे वो वेट कर रहे थे कि ये इंसान जो है आपको प्रपोज करे या कोई नया प्यार आपके लाइफ में आए, तो भगवान आपको कह रहा है कि डिवाइन टाइमिंग का सारा खेल है। अप्रैल में जो है आपका समय आपका टाइम चेंज हो सकता है और आप जो है डिवाइन टाइमिंग के साथ काम कर सकते हैं। चिड़चिड़ करना, उदास होना, दुखी होना, गुस्सा होना कुछ फ़र्क नहीं होगा, बिकॉज जब चीज़ें होनी हैं तभी होंगी। तो आई थिंक फॉर माई स्कॉर्पियो फ्रेंड्स अप्रैल का महीना फास्ट पेस एनर्जी वाला होगा लव रिलेशनशिप को लेके। ऑल राइट, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इंसान जो है आपके लिए, सॉरी, ये रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं, आप ये रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं एंड द कनेक्टिंग एनर्जीज, व्हाट इज स्कॉर्पियोस पर्सन थिंकिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप। टावर है यहाँ पे आप लोगों के लिए, आई थिंक उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो एक ब्रेक पे हैं या रिलेशनशिप में थे और फिर आपने डिसाइड किया कि रिलेशनशिप को जो है ख़त्म करना है और आई थिंक अप्रैल के महीने में जो है रिकंसिलिएशन हो सकता है। आप ये रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं एंड कनेक्टिंग एनर्जी। ओह ओके, वर्गो हो सकते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं या एरीज भी हो सकते हैं। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गई है, आप लोगों में झगड़ा हुआ होगा या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी और उसके कारण जो है आपके पार्टनर को लगता है कि दिस रिलेशनशिप इज़ ओवर। डरते हैं सोच के कि ओ माय गॉड, यू नो क्या हो गया है, ये रिलेशनशिप जो है हमेशा के लिए ख़त्म तो नहीं हो गया, डर है उनको बहुत ये रिलेशनशिप को लेके और ये रिलेशनशिप के बारे में जो है सोच सोच के कि ख़त्म हो गया है या नहीं, प्यार करता है करती है या नहीं, तो ये जो मेंटल एनर्जी है इतनी सारी
नॉनसेंस मेंटल एनर्जी ये इंसान ने सोची है कि बिल्कुल डर गए हैं, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं राइट नाउ, उनको लग रहा है कि चीज़ें जो हैं आप लोगों में बिल्कुल ख़त्म हो गई है। आपकी एनर्जी जो है हर्मिट मोड की एनर्जी है, ये इंसान ने आपको कन्फ्यूज़ करके रखा है। आपको पता ही नहीं है कि इंसान सच में चाहता क्या है। आप ये रिलेशनशिप में फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपने डिसाइड किया है कि अगर ये इंसान मेरे लाइफ में नहीं आता है तो नो प्रॉब्लम, आई विल मूव ऑन। आप ये जो कन्फ्यूजन है, ये कन्फ्यूजन से निकलना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। आप या आपके पार्टनर जो है फिक्स साइन भी हो सकते हैं, अक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो या टॉरस। आपकी एनर्जी राइट नाउ ये रिलेशनशिप में यही है कि प्यार है नहीं है पता नहीं है, आप एकदम चुप हो गए हो, सोच रहे हैं और सोच के कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये इंसान ने जो है असल में किया है तो क्या किया है। आप लोगों की कनेक्टिंग एनर्जी जो है थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगेन यू हैव गॉट द टावर एंड द फाइव ऑफ सॉर्ड्स। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो शायद काफ़ी सेल्फिश हो सकते हैं, कम्युनिकेशन में आप लोगों का प्रॉब्लम हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है। एक इंसान जो है ओपन रिलेशनशिप में रहना चाहता है या सिर्फ आपके साथ जो है हंसी मजाक करना चाहता है, लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं डेफिनेटली एक इंसान को लगा है कि जो चीज़ें रिलेशनशिप में हो रही हैं वो सही नहीं है। वन पर्सन इज़ बिहेविंग वेरी मीन, और एक इंसान जो है दूसरे इंसान से बिल्कुल चिढ़ गया है या उब गया है, या यू हैव लिटरली अपसेट दिस पर्सन। एक इंसान जो है ये रिलेशनशिप में अब इतना इरिटेट हो गया है कि वो कह रहे हैं कि मुझे ये रिलेशनशिप में रहना ही नहीं है। अगर आप ठीक से बर्ताव नहीं करेंगे, अगर आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं करेंगे, तो आई डोंट वॉन्ट टू बी इन दिस रिलेशनशिप। और आई थिंक उसके कारण जो है आप, ये आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है स्कॉर्पियो, और इसके कारण जो है आपके पार्टनर डर गए हैं, उनको लग रहा है कि शायद उन्होंने आपको खो तो नहीं दिया। और आई थिंक अगर आप सेपरेटेड हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, तो आपके इंसान को अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि मे बी दिस पर्सन इज़ इन लव विद यू। इनको एहसास नहीं था अब तक कि ये आपसे प्यार है, और अब जो है इनकी ट्यूब जो है, बल्ब जो है वो ऑन हो गई है। नाउ दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग दैट दिस पर्सन इज़ इन लव विद यू, और आपके बारे में सोच सोच के जो है ये इंसान ने अपना दिमाग ख़राब कर दिया है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, बात कैसे करूँ। और ये इंसान जो है डरते हैं आपसे आके अपनी दिल की बातें, सच्चाई बताने के लिए। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं स्कॉर्पियो, व्हाट डज दिस पर्सन, हाउ डज दिस पर्सन थिंक ऑफ यू इन देयर हेड एंड हाउ डू दे फील फॉर यू इन देयर हार्ट। How does this person feel for you? Okay. वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जीज राइट नाउ जो है ये इंसान को लगता है कि आपने जो है इनको छोड़ दिया है। ये इंसान को जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनको ऐसे लगता है कि यू हैव वॉकड आउट इन द रिलेशनशिप, या तो ये इंसान ने आपको ऐसा एहसास दिलाया होगा कि इनको आपकी ज़रूरत नहीं है, या अगर ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है तो भी उनको प्रॉब्लम नहीं है। और इसी इसके कारण जो है यू हैव आपने आपकी एनर्जी वापस ले ली, और अब ये इंसान जो है कंप्लीटली डर गए हैं। एक ऐसी स्टोरी लाइन हो सकती है, या दूसरी स्टोरी लाइन यहाँ पे बहुत क्लियर है कि ये जो इंसान है इनको पता है कि जो रिलेशनशिप में फेयर बिहेवियर था, या रिलेशनशिप में जो इनको सच्ची आपके लिए करना चाहिए था वो इन्होंने किया नहीं है, और उसके कारण जो है यू हैव वॉकड आउट एंड ये इंसान जो है अब एकदम चुप हो गए। इनको पता ही नहीं है कि क्या करना है। तो आपके लिए फीलिंग्स उनकी यही है कि उनको लगता है कि शायद ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, बिकॉज ये आपसे जो है जस्टिस नहीं दे पाए थे, इसीलिए जो है आप लोगों में एक ब्रेक हुआ है, बिकॉज जो सही था ये इंसान ने आपके साथ नहीं किया है। ओ माय गॉड, ओके। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं स्कॉर्पियो, ये इंसान जो है थ्री ऑफ सॉर्ड्स इज क्लैरिफाइड विद थ्री ऑफ सॉर्ड्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। दिस पर्सन का दिल पूरी तरह टूट चुका है, वो इतना, ये अगर आपका सेपरेशन है, या इफ़ यू आर ऑन अ ब्रेक, या आपने कह दिया है कि आपको ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए है, डबल टाइम इनका दिल टूटा है। इन द सेंस कि इतनी बुरी तरह इनको अब ये एहसास हो रहा है कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, कि ये इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि आगे आपकी तरफ कैसे आए। लेकिन ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, या काम में इतना बिजी हो सकते हैं कि पता होके भी कि
आपकी तरफ आना है या ये रिलेशनशिप में टाइम एनर्जी देनी है, इनको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान जो है अपनी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप से बाहर निकलने के लिए डरते हैं। अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं या देर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स नहीं अग्री कर रहे, तो उनका भी जो है ये इंसान दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं। तो ये इंसान ऐसे कश्मकश में है कि मैं कुछ भी कर लूँ किसी ना किसी का दिल टूटेगा, या तो आपका या जो थर्ड पार्टी है, और वो ऐसा नहीं करना चाहते हैं। ये इंसान जो है आपके लिए क्या फील करता है? दिस पर्सन वॉन्ट्स टू वाओ ओके दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट विद यू। ये इंसान जो है आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको एक डेट पे लेके जाना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। लियो हो सकते हैं यहाँ पे, या लॉट ऑफ एयर साइन है यहाँ पे, कैंसर, कैंसर नहीं, एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा एंड अक्वेरियस। ये इंसान जो है, व्हाट डज दिस पर्सन फील टुवर्ड्स यू? ही और शी वांट्स टू कम्युनिकेट टुवर्ड्स यू। आप जो है उनकी लाइफ में खुशी है, एनर्जी है, हैप्पीनेस है, क्लैरिटी है। ये इंसान जो है आपकी तरफ आना चाहते हैं और ये रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं। ये इंसान, दिस पर्सन वॉन्ट्स अ क्रिएटिव न्यू बिगिनिंग विद यू। एक प्रैक्टिकल टैंजिबल जहाँ पे ये आपको मिले, आपसे बात करें, आप लोग डेट पे जाएं, ये इंसान जो है वो ऑफ़र आपको देना चाहते हैं। लेकिन ये इंसान डरते हैं कि ये ऑफ़र ये आपको देंगे और फिर वो आपके साथ सही नहीं कर पाएंगे। ये इंसान जो है, दिस पर्सन इज़ अनएबल टू फाइंड अ बैलेंस इन देयर लाइफ। इनको लगता है कि अगर आपके साथ अगर रहेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ और पीछे छूट जाएगा। दिस पर्सन के दिमाग में उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि अगर वो आपके साथ एक रिलेशनशिप में रहेंगे तो वो आपको खुश रख पाएंगे, आपकी ज़रूरतों को पूरी करेंगे, और उसके अलावा खुद की जो ज़रूरतें हैं या खुद की जो लाइफ है वो पूरी कर पाएंगे या नहीं। तो दिस पर्सन डेफिनेटली इज़ वेरी अट्रैक्टेड टू यू। सन कार्ड है यहाँ पे, आपसे प्यार करते हैं, रियलाइज़ हुआ है कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, और ये भी एहसास है कि शायद इन्होंने आपका दिल तोड़ा है। और राइट नाउ ऐसे एक दिमाग में जान, जैसे उनका धैर्य बन गया है कि मैं करूँ तो अब क्या करूँ, पूरी तरह उनका सिर या दिमाग जकड़ गया है कि व्हाट डू आई डू नेक्स्ट। आप जो हैं, आप ये इंसान के बारे में क्या सोचते हैं? ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं, कॉलेज फ्रेंड्स हो सकते हैं। सोलमेट, ट्विन फ्लेम की यहाँ पे एनर्जी है। यू हैव टेकन योर एनर्जी बैक, यू आर जस्ट वेटिंग, आपने सरेंडर कर दिया है। बिकॉज ये इंसान जो है वैसे भी अपने मन की करते हैं, किसी का सुनते नहीं है। तो आप एक ऐसी एनर्जी में कि ठीक है, यू नो, आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इंसान आपके लाइफ में आए, लेकिन अब जो है आपने सरेंडर कर दिया है। यू हैव बिकम काम, आप एक शांत हो गए हैं कि भाई मैं क्या करूं, बिकॉज यहाँ पे जो डिवाइन टाइमिंग है, आई विल वेट एंड सी वेदर दिस पर्सन रियली लव्स मी और डज नॉट लव मी। और कहीं ना कहीं ये इंसान ने आपको एहसास दिलाया था कि इंसान आपसे प्यार नहीं करते हैं। तो फॉर यू माई स्कॉर्पियो फ्रेंड्स, आपको लगता है कि ठीक है, अगर ये मेरे से प्यार नहीं करता तो इट्स ओके, बट यू डू सी अ स्पेशल कनेक्शन विद दिस पर्सन। आप जो हैं फ्यूचर में क्या चाहते हैं ये इंसान के साथ? जो ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, जो टेन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, आप चाहते हैं कि आप ये इंसान को फिर से ट्रस्ट करें, आप चाहते हैं कि ये इंसान आपको स्टेबिलिटी दे, आप चाहते हैं कि आप दोनों जो है एक नई शुरुआत करें, एक लीप ऑफ फेथ लें और एक दूसरे के साथ एक रिलेशन स्टार्ट करें विच इज़ मैचिंग विद द फास्ट लेन, कि ये इंसान मेरी तरफ आए और मैं ये रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करूँ और हम जो है हमारी स्टेबिलिटी के टूवर्ड्स वर्क कर सकते हैं, इवन मैरिज फॉर सम। व्हाट एक्शन विल दिस पर्सन टेक टूवर्ड्स यू इन अप्रैल? ये इंसान जो है अप्रैल के महीने में आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे? व्हाट एक्शन विल दिस पर्सन टेक टूवर्ड्स यू इन अप्रैल? आपका कार्ड यहाँ पे फिर से आया है। ये इंसान जो है हिम्मत नहीं है, ये जो है आपकी सोशल मीडिया पे आपको चेक करते रहेंगे। ओके,
ये दिस पर्सन विल कम टुवर्ड्स यू, ये इंसान अप्रैल के महीने में जो है आपको मैसेज करेंगे. बहुत क्लियरली अगर नहीं बता पाए तो भी जो है आपको ऐसा एहसास दिलाएंगे कि शायद ये आपसे कुछ और ज़्यादा चाहते हैं या ये रिकन्सिलिएशन चाहते हैं. जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे, दिस इज़ द कार्ड ऑफ रिकन्सिलिएशन, रीबर्थ इन द रिलेशनशिप. फास्ट कम्युनिकेशन होगा, प्लानिंग करके ये इंसान आपकी तरफ आएंगे और यू नो फाइनली द शिप्स विल कम इन. मैंने जो चीज़ें आपको लग रही थी नहीं होंगी वो चीज़ें हो सकती हैं आप लोगों के साथ. एक दूसरे की तरफ आप ट्रैवल भी कर सकते हैं. जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे, जो कॉपरेशन आप चाहते थे, जो एक दूसरे के साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहते थे, शायद वो उसकी तरफ जो है ये इंसान काम करने की कोशिश करेंगे. आपके साथ एक डिस्कशन करेंगे कि यू नो एक विन विन सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. तो आई थिंक ये इंसान आपसे यही कम्युनिकेट करेंगे कि जो यू नो कि थोड़ा मैं आपका सुनता हूँ, थोड़ा यू नो मैं आपका सुनता हूँ, थोड़ा आप मेरा सुने और जो है एक विन विन सॉल्यूशन लेके जो है हम इकट्ठा आगे जाएं. एस ऑफ सोर्ड्स, सॉरी, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एस ऑफ वांड्स एंड द नाइट ऑफ सोर्ड्स. तो ये इंसान जो है अप्रैल के महीने में शायद कुछ ऐसा होगा जहाँ पे वो डर जाएंगे कि ओ माय गॉड क्या मैंने इनको खो तो नहीं दिया है. मे बी सोशल मीडिया पे कुछ देख लेंगे या कुछ फोटो देखेंगे या कुछ मैसेज आपने कहीं छोड़ा है वो देख के जो है ये इंसान को लगेगा कि मे बी यू आर मूविंग ऑन या मे बी यू नो आपके लाइफ में कोई और आ गया है और उसके कारण जो है ये इंसान आपकी तरफ आएंगे. बहुत जल्दी, बहुत हेज से, एकदम फास्ट, अनएक्सपेक्टेड फास्ट कम्युनिकेशन आएगा ये इंसान से कि मुझे आपसे मिलना है या यू नो आई वांट टू टॉक टू यू और ये जो सिचुएशन है आपकी आगे जा सकती है. तो आई थिंक अप्रैल के महीने में फाइनली देर विल बी सम मूवमेंट इन योर लव लाइफ. जो चीज़ें ठहर गई थी या जो स्टक हो गई थी उसमें जो है डेफिनेटली कुछ मूवमेंट अप्रैल के महीने में ज़रूर होगा, जहाँ पे एक इंसान को रियलाइज़ होगा कि वो आपसे सच में प्यार करते हैं और ये प्यार को जो है शायद आप आगे लेके जाएंगे. डिवाइन एंजल से पूछते हैं अप्रैल के महीने में स्कॉर्पियो फ्रेंड्स के लिए रिलेशनशिप में क्या होगा. बाहर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अगर आवाज़ आ रही है तो आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ उसके बारे में. हाउ इज़ अप्रैल गोइंग टू बी इन लव फॉर माई स्कॉर्पियो फ्रेंड्स. ओके, पैशन है आप दोनों के बीच में, फ्री योर सेल्फ है, रिलीज योर एक्स है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, रिट्रीट. ओके, आपको जो है कहीं ना कहीं, आपको या ये इंसान को कहीं ना कहीं खुद को फ्री करना है. अगर ये इंसान सर्कमस्टेंसेस से बंधे हुए हैं, यू नो कि टाइम नहीं है, सोसाइटी क्या कहेगी, तो ऐसी जो चीज़ें हैं उससे जो है फ्री खुद को या आपको करना होगा ये रिलेशनशिप को आगे लेके जाने में. रिट्रीट और पैशन है, आई थिंक आप दोनों डेट पे ज़रूर जाएंगे एंड अ लॉट ऑफ पैशन यू शेयर विद ईच अदर. रिलीज़ योर एक्स है, तो या तो आप या जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इंसान को जो है कुछ पीछे छोड़ के जो है आपकी तरफ ज़रूर आना पड़ेगा. रिट्रीट है, एक दूसरे के साथ जो है आप लोगों को टाइम स्पेंड करना होगा, एक दूसरे से बात करनी होगी, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना होगा और फिर जो है चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी. गेटिंग टू नो ईच अदर है, एक दूसरे के साथ बात करेंगे तो आपको समझेगा. एंड पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, साइंस आर कॉशनिंग यू. तो कुछ ना कुछ ये रिलेशनशिप में ऐसा है जो सही नहीं हो रहा था. तो अगर ये आपको लगता है कि फिर भी ये इंसान जो है बता कुछ रहे हैं लेकिन एक्ट कुछ कर रहे हैं, तो प्लीज़ बी केयरफुल, लोगों का विश्वास ना करें. जो आपकी गट फीलिंग है, गट फीलिंग के लिए आप जाएं, लेकिन आई थिंक देर विल बी डेफिनेटली कुछ पीछे छूटेगा. या तो आपके एक एग्जिस्टिंग पार्टनर को छोड़ के ये नए इंसान को एक्सेप्ट कर रहे होंगे, या ये इंसान जो है अपने पास्ट को जो है छोड़ के आपकी तरफ ज़रूर आएंगे. जो इंसान जिससे आपको लगता था कि ये इंसान मेरे से प्यार नहीं करता है, वही आपको मैसेज करके बताएंगे कि ये जो है आपसे प्यार करते हैं. अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है और आप क्लैरिटी चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर अ पर्सनल रीडिंग. ऑल राइट, हाउ विल अप्रैल बी फॉर माई स्कॉर्पियो फ्रेंड्स इन लव. ओके,
ओके, टेक अ क्लोजर लुक, एनालाइज थिंग्स आर व्हाट आर नॉट व्हाट दे सीम. तो जैसी चीज़ें हैं वैसी उनको एक्सेप्ट ना करें. ये इंसान जो है शायद अपनी सच्चाई आपको नहीं बता रहा है, ओपनली जो है अपना प्यार नहीं एक्सप्रेस कर रहा है, तो चीज़ों को जो है ऊपर ऊपर से ना ले. सेज है यहाँ पे क्लियरिंग नेगेटिविटी, सेक्रेड हीलिंग स्पिरिचुअलिटी. तो आई थिंक यू नो अगर आप के पास सेज है घर पे, सेजिंग करें, एक स्पिरिचुअल चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है, जो नेगेटिविटी है आपके लाइफ में रिलेटेड टू लव, आई थिंक उसमें हीलिंग होगी और वो जो है क्लियर होगा. डिसीटफुल पर्सन, मैन्युपुलेशन, बीइंग प्लेड, सेल्फिशनेस. जैसे मैंने कहा था कि ये इंसान जो है अब तक बहुत सेल्फिश बिहेव कर रहे थे और यही इंसान जो है मुझे लगता है आपके लाइफ में वापस आएगा. एंड देन देर इज सेल्फ लव, नॉट सेटलिंग हेल्दी बाउंड्रीज, प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ. तो अगर ये इंसान आपके लाइफ में वापस आते हैं और अब तक इन्होंने आपके साथ सेल्फिश बिहेव किया है, इन एंड आउट वाली एनर्जी थी, तो आपको जो है खुद को प्रायोरिटी करना है. बस खुश ना हो जाए कि भाई ये इंसान सच में मुझे प्यार करता है, आई एम सो हैप्पी, जैसे वो बोलेंगे वैसे मैं करूंगा या करूंगी. नहीं, खुद को प्यार पहले करें, हेल्दी बाउंड्रीज को सेट करें, खुद को प्रोटेक्ट करें और आपको जो चाहिए है ना आप वो धड़ल्ले से मांगे. डोंट सेटल फॉर एनीथिंग लेस और व्हाट यू वांट इज व्हाट यू विल गेट. सो जो आपको ये रिलेशनशिप से चाहिए है आप बोलें. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आपका, ये इंसान फॉरेनर हो सकता है एंड वेटिंग फॉर लव टू कम इन. तो आई थिंक इफ यू आर वेटिंग फॉर लव टू कम इन, अप्रैल के महीने में प्यार जो है ज़रूर आएगा. एंड देन देर इज स्टेबल यूनियन, सेफ्टी, फैमिली लाइफ, फीलिंग ऑफ कमिंग होम. तो आई थिंक फाइनली आपके पार्टनर और आपको ऐसे लगेगा कि यू नो ये रिकन्सिलिएशन से या प्यार जब आपके लाइफ में आएगा तो आपको ऐसे लगेगा कि यू नो फाइनली आई हैव फाउंड समवन, कि ये मेरा घर है, ये इंसान जो है ये मेरा सब कुछ है. तो वो फीलिंग जो है आपको ज़रूर मिलेगी. लेकिन एडवाइस आपको यही है कि हेल्दी बाउंड्रीज को सेट करें और जो आपको ये रिलेशनशिप में चाहिए है आप वो मांगे, ये इंसान जो है आपको ज़रूर देंगे. दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर माई स्कॉर्पियो फ्रेंड्स. एज ऑलवेज प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you so much.